वैसे तो नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से हुआ, मगर इस बीच कुछ जगहों से फर्जी वोट डालने के मामले भी सामने आए। हालांकि सभी फर्जी वोटरों को पोलिंग पार्टियों की मुस्तैदी की वजह से काबू करने में सफलता मिली। ताज़ा मामला टोहाना का है, जहां शहर के भूना रोड के पास आईजी कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पास की कॉलोनी में रहने वाला एक शख्स फर्जी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र में दाखिल हुआ था। उसकी पहचान पर तो टीम को पहले ही शक हो गया था, बाद में जब उसे पकड़कर पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। किसका वोट डालने के लिए आए थे आप? अभी तक तो किसी के नहीं। नहीं, किसका वोट डालना था, किसको डालना था आपने? वोट डालने के लिए आए थे, किसको वोट डालने के लिए आए थे आप? सोची नहीं थी। किसने भेजा था आपको? बिना सोचे समझे आ गए थे। पैसे लिए थे वोट डालने के? नहीं। कहाँ से हो? नहीं से सर। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी रवि को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी रवि पर धारा 171 एफ के तहत केस दर्ज कर लिया है और उसे अपने साथ हिरासत में ले गई है। वार्ड नंबर 13 के बूथ नंबर 27 में एक रवि नाम का व्यक्ति था जो फर्जी मतदान करते हुए पकड़ा गया, तो उसके अगेंस्ट हमने जो नियमानुसार कार्रवाई करी है और FIR लॉन्च कर दी है। हमने जो कंसर्न SHO है उसको IPC की 171 सेक्शन एफ के अंडर जो उसको कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। प्राथमिक जांच में सर क्या कुछ पाया गया है, कहाँ का ये व्यक्ति है, क्या इसे ये पहला ही वोट डाल रहा था, इसने पहले भी डाला? नहीं, ये जैसे ही एंटर करा वैसे ही इसके आइडेंटिटी पे शक हो गया था, तो जो हमारी पोलिंग पार्टी है और जो एजेंट है दोनों बड़े चुस्त थे, उन्होंने इसको शुरू में ही बगैर किसी कुछ भी करने से पहले ही इसकी आइडेंटिटी पे शक हो गया था और उन्होंने उसको पकड़ लिया। बहरहाल अब इन छोटी मोटी घटनाओं के बीच मतदान समाप्त हो चुका है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं ने EVM में कैद कर दी है। देखना होगा जब मतगणना होगी तो किसका भाग्य चमकेगा। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।